क्या महाराष्ट्र में है कानून का राज? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि राज्य में जिस तरह भाजपा कार्यालयों पर पथराव हुए हैं, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उस पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब तक उपद्रव मचाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होना आश्चर्यजनक है। आज की रिपोर्ट में इस पर विस्तृत बात करेंगे और साथ ही जानेंगे नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच मनमुटाव का इतिहास। साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले शुरू हुई इस राजनीति से किसको क्या लाभ हो सकता है। साथ ही बात करेंगे अफगान से भारतीयों को निकालने के भारत के अभियान की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की एक विवादित टिप्पणी से उपजे विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर नारायण राणे को जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और जिलों में स्थित भाजपा कार्यालयों पर जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। इन हमलों और राणे की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। नड्डा ने कहा, भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी के संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद राणे को संगमेश्वर थाने ले जाया गया। वहां राणे ने उच्च रक्तचाप और शुगर लेवल बढ़ने की शिकायत की तथा उनकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था। दरअसल यह सारा विवाद तब खड़ा हो गया जब नारायण राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं। राणे ने कहा कि भाषण के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीछे मुड़कर यह पूछते नजर आए थे कि आज़ादी को कितने साल हुए। उन्होंने कथित रूप से कहा कि अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे अपनी इस टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गए और महाराष्ट्र भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। शिवसेना और उसकी युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की। पुणे के डेक्कन जिमखाना इलाके में तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे के पोस्टर पर जूते बरसाए और थप्पड़ मारे। वहीं पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राजापेठ इलाके में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की और कार्यालय के सामने लगे विभिन्न पोस्टरों में आग लगा दी। नागपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी शिवसेना और युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र भर में देखने को मिले हैं, जिस पर भाजपा ने कहा है कि यह कैसा कानून का राज है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो बदले की राजनीति हो रही है उसे जनता देख रही है। नारायण राणे जी का विषय टीवी पर हम देख रहे हैं, यह गंभीर मामला है और यह चिंता का विषय है। एक तरह से यह लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या यह टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 FIR कर देना, क्या यह कानून है? मैं पूछता हूं, आज महाराष्ट्र में अनेकों ऐसे मंत्री हैं, मैं दिखा दूंगा, 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं वर्तमान व उनके राज्य में जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। कितने लोग जेल में? अनिल देशमुख, हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करना, ये जो वसूली गाड़ी चल रही है वहां पर, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करना। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में कागज में छपके आया था, चिट्ठी के रूप में आया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी अनिल देशमुख को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली। अनिल देशमुख जेल में है क्या? उनकी गिरफ्तारी हुई,
एक बार कोई पुलिस अधिकारी उनके देहुड़ी तक गया? नहीं। 100 करोड़ वसूली करना बिल्कुल ठीक है, उचित है। अनिल परब के खिलाफ ये क्या छपा हुआ है? लोकल अखबार से लेकर राष्ट्रीय अखबारों तक अनिल परब जो उनके इतने बड़े नेता हैं, उनके काले करतूत सब छपे हुए हैं अखबारों में। उसके बावजूद एक दिन पुलिस अनिल परब को गिरफ्तार नहीं करती है, उसके देवड़ी तक नहीं जाती है। और यहां पर एक वक्तव्य के कारण आप एक नेता को, एक सर्वमान्य नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार कर लेंगे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बहुत दुख का विषय है। और मुझे लगता है आज लोकतंत्र महाराष्ट्र में शर्मसार हुई है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, शर्म लगता है सोचते हुए कि यह वही शिवसेना है। सर्जिल इमाम जैसे व्यक्ति जब खड़े होकर भाषण देते हैं और भारत माता के खिलाफ न जाने क्या अनर्गल कहते हैं, एक FIR महाराष्ट्र में नहीं होती है। एक पुलिस कर्मचारी सर्जिल इमाम को पकड़ने के लिए नहीं जाता है। मगर यहां बयान पे आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत जी, हर दिन उनके बयान को देखिए, महिलाओं के प्रति किस किस प्रकार के बयान दिए हैं संजय राउत जी की, मैं माइक पे ही वो सब बयान दोहरा भी नहीं सकता हूं। क्या एक FIR उनके खिलाफ हो गया? नहीं हुआ। मगर बदले के भाव के साथ जिस प्रकार की राजनीति आज महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है और हिंदुस्तान की जनता इसकी जवाब देगी। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे पहले शिवसेना में थे, वह बाद में कांग्रेस में और फिर 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। राणे और उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे की वजह से ही राणे को शिवसेना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। हाल ही में जब नारायण राणे बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने गए थे, तब भी शिव सैनिकों ने राणे का विरोध किया था। इसके अलावा अगले साल BMC समेत 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, जिसको देखते हुए शिवसेना और भाजपा काफी सक्रिय हो गई हैं। पिछली बार भाजपा ने शिवसेना को लगभग BMC की सत्ता से बाहर कर ही दिया था, लेकिन भाजपा आलाकमान के निर्देश पर वापस शिवसेना को ही BMC की सत्ता सौंप दी गई थी। महानगर पालिकाओं के चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में माना जाता है, इसलिए भाजपा और शिवसेना एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं और जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे ये होड़ बढ़ती दिखेगी। अब बात करते हैं अफगानिस्तान मुद्दे की। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। इस अभियान के नाम के बारे में तब पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 78 और लोगों को अफगानिस्तान से लाए जाने के संदर्भ में अपने एक ट्वीट में इसका उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है, काबुल से 78 लोगों को दुशांबे के रास्ते लाया गया। IAF, MCC, एयर इंडियन और टीम MEA को उनके अथक प्रयासों के लिए नमन। हम आपको बता दें कि भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। इससे एक दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर नियंत्रण कर लिया था। काबुल में खराब होती सुरक्षा स्थिति और अपने नागरिकों को वापस ले जाने के विभिन्न देशों के प्रयासों के बीच भारत अब तक 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित ला चुका है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने तथा भारत आने के इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।